अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इज अर ऑफ मास टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड रोटेटेड एंड इज रोटेटेड थ्रू द अदर एंड अलोंग अजोंटल सर्कुलर पाथ विद स्पीड बी सवाल है वर्क डन इन फुल हॉजोंटल सर्कल विल बी ऑप्शन है जीरो एम बी स्क्वायर बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टू पाई एल एम जी टू पाई एल या फिर एम बी स्क्वायर बाई एल इंटू एल ना सवाल सिंपल है अगर आपने एक हॉरिजोंटल पार्टिक हॉरिजोंटल सर्कल में एक पार्टिकल को गोल घुमाया है सो यहाँ से आपने स्टार्ट किया ऐसे होके पहले इधर गया फिर इधर गया और इधर गया फिर लौट के बद्दू घर को आए तो ये आपका पूरा सर्कुलर मोशन ऐसे करके यहाँ तक वापस आ गया है उस केस में क्योंकि आपका इकलौता फोर्स जो लग रहा था वो टेंशन का फोर्स था और टेंशन जो है आपका वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल और प्रोवाइड कर रहा था और टेंशन और एफ के बीच में आपका एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल है सो so, ये आपका 90 डिग्री का एंगल रहा होगा तो इस वजह से आपका टेंशन का वर्कडन जो होगा वर्कडन बाय टेंशन वर्कडन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू टेंशन इसको हम लिखते हैं डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि हो जाएगा टेंशन एस कॉस थीटा नाउ इस पूरे सर्कुलर uh, मोशन के दौरान थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यानी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है विच इंप्लाइज आपका वर्क डन जीरो होएगा यानी फुल सर्कल में वर्क डन जीरो होएगा नाउ यही सवाल अगर पूछा जाए आपसे हाफ सर्कल के लिए कि यहाँ से लेके पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करता हुआ इस जगह पर आया तो भी आपका डन जीरो होएगा फॉर द सिंपल रीजन कि आपका एंगल हमेशा कॉस सीटा की वैल्यू जीरो है एंगल ऐसे है नाइन्टी डिग्री का कि वर्कडन हमेशा यहाँ पे जीरो आएगा तो वर्कडन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है इस रिजल्ट को ध्यान रखना तो डजेंट तो मैटर आपका फुल सर्कल है हाफ सर्कल है कोई भी एक आर के वर्कडन हमेशा जीरो आएगा हेंस ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया